जी अस्सलाम वालेकुम मेरे चैनल वाले, मेरे भाई, मेरी बहनें, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है मेरा ये वीडियो। मूड नहीं था मेरा, मैं अभी बैंक से आया हूँ तो मेरे सामने एक लिंक मेरे दोस्त ने मुझे भेजा, जो कि वो मेरी ओल्ड दोस्त जो यूट्यूबर थी रिएक्शन कुड़ी, ये उसके चैनल का वीडियो है। उसका लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पर जाके ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। पूरा वीडियो मैं अपने चैनल पर नहीं लगा सकता क्योंकि बहुत लंबा वीडियो, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता। मैं सिंपली अपनी जुबान से ये बताता हूँ, थोड़ा सा मैं चला भी देता हूँ, ये देख लें, उसके बाद मैं बात करता हूँ। नारियल काटने वाला चाकू जरूर होना चाहिए। 0.17 बोर की गन बाजार में मिलती है 3 से 4 हजार रुपए का स्टॉक। 10 लीटर एसिड जरूर होना चाहिए। जी मेरे भाई, वीडियो आपने देखा है, मैंने ये छोटा टूटा चलाया लेकिन ये बहुत बड़ा, तकरीबन 4-5 मिनट का वीडियो है, जिसमें ये जो हिंदू भाई है मेरा, ये बड़े ही प्यार, बड़े ही तरीके से और बड़े ही मीठे, जैसे कि पूरी इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में अकेला यही समझदार है जो ये वीडियो बना के मैसेज दे रहा है अपने हिंदू भाइयों को। ये खुद के जैसा कुत्ता, खुद के जैसा कुत्ता समझता है पूरे इंडिया के हिंदू भाइयों को। इसको नहीं पता कि हर बंदा कोई, हर कोई तेरी तरह कुत्ता नहीं है, हर कोई तेरी तरह सुअर खाने वाला बगैरत नहीं है, जो ये घटिया सोच अपने दिमाग के अंदर रखता होगा। ये चंद चंद कुत्ते हैं, चंद बगैरत हैं जो RSS के, BJP के जायल जो बोलते हैं ना, जो बिल्कुल घटिया तरीन जो लोग हैं, वो ये लोग हैं जिनकी ये ऐसी सोच है। और ये मैसेज क्या दे रहा है, अपने घर में मर्चे रखो, अपने घर में 3 फुट वाली तलवारें रखो, अपने घर में नारियल काटने वाला जो छुर्रा है वो रखो, अपने पास बोतलें रखो, अपने पास तेजाब रखो, अपने पास पेट्रोल रखो, अपने घरों के अंदर ये चीज़ें महफूज रखो, क्योंकि कभी भी ये किसी को देना चाहती है, मतलब कि आसान लफ्जों में मुसलमानों के लिए रखो, उनको मारने के लिए, उनको जलाने के लिए, उनके साथ ये करने के लिए, वो करने के लिए। ये वीडियो देखकर मेरा ये जो दिमाग था ना, ये शार्ट बहुत हुआ है। मैं इसको सारी, इसने जितने भी चीज़ें मारने तारने वटे चटे रखने का बताया है ना, इसको मैं सिर्फ एक ही चीज़ दिखाता, जो एक डालो ना 40 डाल के ना, तो तुम जैसे 40 कुत्तों को वो मार देती है, समझ आइए ना, तुम जैसे 40 कुत्तों को मार देती है हमारी इतनी सी जो चीज़ है। तो तू मतलब ये बोल रहा है, ये मैसेज दे रहा है बगैरतों वाले कि ये रखो वो रखो। मैं ये मैसेज देता हूँ अपने मुस्लिम भाइयों को, देखो ये तो कुरान में भी लिखा है कि अगर आपको नजर आ रहा है कि कोई आपकी जान लेना चाहता है, जब आपको नजर आ गया कि कन्फर्म है ये आपको मार देगा, तो आपको भी पूरा पूरा हक है अपनी जान बचाने के लिए, अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए, अपनी फैमिली को सेव करने के लिए पूरा पूरा हक है कि आप ही उसको मार सकते हो। लेकिन हमेशा अपने दिल को ठंडा रखो। मैं भी मतलब गुस्से में शुरू में आया था, लेकिन मैंने अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल किया। मैंने कहा एक अच्छा मैसेज दे देना चाहिए ना, लाजमी नहीं है कि हर टाइम डस डूस और गाली माली यही कुछ देना चाहिए, अच्छे मैसेज भी देने चाहिए। आप लोग अपने हाथ में तस्बीह रखो, आप लोग अपने हाथ अपना जानमाज रखो, नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो, जितनी ताकत वाली चीज़ ये दुआ है ना, दुआ, ये आप दुआ करो, इससे बड़ी ताकत वाली चीज़ नहीं है दुनिया में। ये जो पेट्रोल अपने घर के रखा हुआ ना, घर में रखा हुआ होगा ना, गलत माइंड से वही पेट्रोल जल के इन्हीं को जला देगा, वही तलवारें इन्हीं को लग जाएंगी, वही चीज़ें इन्हीं को लग जाएंगी। ये सोच रहे हैं कि बस रखने से ये हम सिर्फ वार कर सकते हैं, वो चीज़ें हमारे ऊपर उल्टा वार नहीं कर सकती, वही चीज़ें इन्हीं के ऊपर उल्टा चाहती हैं। मैं तो हमेशा मतलब कोशिश करता हूँ एक अच्छा मैसेज देने के लिए, अच्छी सोच लाने के लिए। ये मतलब इंग्लिश इन्होंने बोल लिया है, इंग्लिश बोलिंग को आगे पढ़े लिखे ये खुद को बोल देते हैं, अलिफ बे इनको कलम का नहीं पता कि अलिफ बे भी नहीं पता कलम क्या चीज़ है। कम से कम तुम लोग इतने ही मतलब घटिया हो ना, इतने घटिया हो तुम लोग, सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी गीता भी अगर अच्छे तरीके से इनको, बच्चों को अपने तुम पढ़ा दो ना, तो मेरे ख्याल में उनसे बड़ा कोई इंसान ही ना बने। ये जितने भी तुम घटिया लोग हो, कुत्ते के बच्चे हो, जिनकी सोच इतनी घटिया है, वो जो मैसेज दे रहा है वीडियो बना के कि ये करो वो करो, ये तो तेरी लक है, तेरी गुडविल है, या तेरा एक अच्छा मतलब है कि तू अपने इंडिया में बैठ के ये बात कर रहा है। इंडिया से बाहर निकल के किसी भी दुनिया में बैठ के करता ना, तो तुझे इस चीज़ का जवाब दूसरे दिन ही मिल जाता। ये तेरी लक है, गुडविल है कि तू इंडिया के अंदर बैठ के ये कुत्ता गिरी और कुत्तों वाला मैसेज दे रहा है। जवाब बहुत तगड़े दे सकता हूँ, बहुत तगड़े तगड़े और बहुत अच्छी तरह तेरा मुंह मैं बंद कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसे वर्ड बोलूँ जो मेरे अपने, जो मेरे हिंदू लोग जो मुझे पसंद करते हैं, जिनकी सोच अच्छी है, जिनका उठना बैठना खाना पीना पहनना उतारना अच्छा है, वो मैं नहीं चाहता कि मतलब उनके दिलों पर मेरे लिए कोई गलत बात जाए। तो मैं एक अच्छा मैसेज देना ही चाहता हूँ, और आप लोग हिंदू लोग जो इसको देखते हैं ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको बेइज्जत करें, इसके ऊपर केस कराएं कि ये हिंदू मज़हब की लड़ाइयाँ करवा रहा है, ठीक है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ये तीनों की लड़ाइयाँ ही हैं एक किस्म की, ये जो मैसेज दे रहा है, मतलब कि
बस अल्लाह माफ़ करे मुझे, पर यह है कि मेरे से कोई गलत वर्ड निकल गया हो तो उसके लिए सॉरी। पर ऐसे बंदों को ज़रूर इनका मुंह बंद करना चाहिए। पूरा वीडियो नीचे रिएक्शन कुड़ी का मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके देख सकते हैं। बहुत गलत बोला है, लेकिन बस अभी के लिए मैं वीडियो को बंद करता हूँ। मेरे सारे भाइयों को, सारे भाइयों को दिल से अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, जिनका कोई भी ख्याल नहीं रखता उनका बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।